हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल चल रही है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मतलब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम जितना लंबा खिंच गया उतना आपको अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो भी आपको परेशानी आ रही है, और अगर आप अभी तक थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं तो भी आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कैसे इन सब चीज़ों से बचा जाए और अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसी के बारे में आज मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा। आई होप ये आपके काम आएंगे। तो मैं दो टाइप के स्टूडेंट के बारे में बात करूँगा। एक तो वो जिनका सिलेबस हो चुका है और वो रिवाइज कर रहे हैं पर उनका रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा। यह ऐसा हो रहा है कि वह 2-3 दिन पढ़ रहे हैं पर चौथे दिन से फिर वो दोबारा रिलैक्स हो जा रहे हैं। मतलब उनको बार बार पढ़ने का या रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा। और सेकंड, वो जो अभी तक थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं पर अब उनको लग रहा है कि अब उनसे नहीं होगा, एग्ज़ाम आने वाला है, या ये उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम खिंचता जा रहा है। तो ये दो टाइप के स्टूडेंट हैं जिनके प्रॉब्लम आज मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो उन लोगों के पास चलते हैं जिन्होंने सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और उनका रिवीजन का टाइम चल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप जितना भी टाइम बचा है आपका, प्लीज़ उसे यूटिलाइज करें। और अपने टाइम को आप थोड़ा सा बस कम कर सकते हैं अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो। मतलब जैसे आप देखते होंगे कि जब आप तैयारी कर रहे थे या मतलब थ्योरी पढ़ रहे थे तब आप ज़्यादा टाइम देते थे, अब कम टाइम दे रहे हैं। तो भी मैं कहूँगा कोई बात नहीं, अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी 6 आवर्स भी अगर पढ़ते हैं तो भी काम चल जाएगा। पर आप पूरे टाइम को यूटिलाइज करें, और जब भी आपका मन नहीं करता तो आप कम से कम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन करने में मुझे लगता है कि थोड़ा मन ज़्यादा लगता है रैदर देन रीडिंग करने में। और क्वेश्चनों को आप मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब आप म्यूजिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी अलग चीज़ जो आपको करना पसंद है या कुछ सुनना पसंद है आप उसको चला के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज हो सके। और देखो, मेरी यही स्ट्रेटेजी थी, जब मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का तो जनरली मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करता था, और म्यूजिक चला के या कोई शो चला के या कोई भी ऐसी मोटिवेशनल चीज़ सुन के मैं साथ में क्वेश्चन सॉल्व करता था, जिससे होता क्या था कि जो मेरा मन था वो वापस लग जाता था और क्वेश्चन सॉल्व करते समय मज़ा भी आता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने टाइम को डिफरेंट वे से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आपका डाउट है कि आपसे ऑर्गेनिक नहीं हो रही है, मतलब आप बार बार रिवाइज भी कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, तब भी आपसे ऑर्गेनिक नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ कि ऑर्गेनिक का जो नेचर ऑफ सब्जेक्ट है वो थोड़ा टफ है। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप पढ़ तो इजीली लेते हैं पर कर भी इजीली लेंगे। क्योंकि होता क्या है कि ऑर्गेनिक को पढ़ते समय तो मज़ा आता है, और क्वेश्चन में भी अप्रोच जब पता चलती है तब इजी लगता है, पर रियल में जो नेचर ऑफ सब्जेक्ट है वो टफ है। आप इस चीज़ को प्लीज़ समझ लीजिए, चाहे आपकी स्पेशलाइजेशन हो ऑर्गेनिक में, चाहे आपको पसंद हो ऑर्गेनिक और चाहे आपको ना पसंद हो ऑर्गेनिक, तीनों ही केस में जनरली ऑर्गेनिक स्टूडेंट को हार्ड ही लगती है। 80% केस में स्टूडेंट को ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने में डिफ़िकल्टी आती ही है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आप बस इतना जान लीजिए कि अगर आप ऑर्गेनिक में 25 से प्लस मार्क्स ले आते हैं CSR नेट में तो इतना काफ़ी है JRF निकालने के लिए और काफ़ी अच्छी रैंक लाने के लिए। थर्ड, आपका ये भी डाउट है कि जब आप असाइनमेंट कर रहे हैं या आप टेस्ट दे रहे हैं तो भी आपसे सारे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, और आप कितना भी रिवाइज करें तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो इसीलिए आपका बार बार रिवाइज करने का भी मन नहीं कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, आप किसी भी पेपर में बैठ जाएं कभी भी आपके फुल मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप ये सोचें कि मेरे पूरे फुल मार्क्स आ जाएं, 360 मार्क्स आ जाएं, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे ही होता है जब आप असाइनमेंट करते हैं या टेस्ट देते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैंने पढ़ा है और पिछली गलतियों से भी सीखा है तो इस बार मैं पूरा पेपर अटैम्प्ट कर दूंगा। या कोई एक आपको ऐसा दिखता भी है टेस्ट में या असाइनमेंट में जो पूरा क्वेश्चन कर रहा है तो आपको लगता है मुझे भी पूरे करने चाहिए। यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगा कि देखो, ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ अभी आपको लग रहा है। आप एग्ज़ाम दे लेना और ये पिछले रिकॉर्ड भी देख लीजिए, आज तक किसी के एग्ज़ाम में फुल मार्क्स नहीं आए हैं। और CSR का पेपर तो 360 मार्क्स का आता है जिसमें 200 का करना होता है, फिर भी आज तक कोई 200 नहीं ला पाया है।
यानी इतने ऑप्शन होने के बावजूद भी किसी के आज तक 200 नहीं आए हैं। और साथ में इतना आप याद रखिए कि अगर आप 110 या 20 भी ले आते हैं तो भी आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, तो आपको पूरे पेपर की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। आप बस आप इतना देखिए कि आप इतना पढ़ लें कि आप 60% पेपर अटेम्प्ट कर लें तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, ये मुझे लगता है। फोर्थ पॉइंट है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा प्लीज़ आप किसी भी नई बुक की तरफ ना जाएं, किसी नए नोट्स की तरफ ना जाएं। आपको अगर ये लग रहा है कि मुझे नए नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है तभी जाके मुझे टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, असाइनमेंट में अच्छे नंबर आएंगे, तो मैं कहूँगा कि अब जो टाइम है वो काफ़ी क्रूशियल टाइम है। इसमें आप जितना आपने पढ़ा है अगर उतना भी आप रिवाइज कर लेते हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, पर अगर आप कुछ नया पढ़ते हैं और अपने आप को कन्फ्यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है जो आपने पीछे पढ़ा है आप उसको भी ख़राब कर देंगे। लास्ट पॉइंट मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे कि आप देख ही रहे हैं बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके नेट के पेपर से पहले, और आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। जैसे कि कुछ PGT के एग्ज़ाम हैं और BARC के भी एग्ज़ाम बीच में, तो अब आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि आप नेट की तैयारी करें या आप बीच वाले एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप शुरू से ही नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको ही कंटिन्यू रखें। आप बस इतना कर सकते हैं जो भी एग्ज़ाम बीच में आ रहे हैं उनको आप दे दें, और उनको अगर आपको पढ़ना भी है तो उसके आप सिर्फ हाफ टाइम दें और बाकी बचा हुआ हाफ टाइम अपने नेट की तैयारी के लिए रखें। क्योंकि देखो होगा क्या, जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं अभी उनमें भी बहुत कम टाइम है, तो ऐसा ना हो कहीं कि आपका ये वाला एग्ज़ाम भी ना हो और जिसके लिए आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं नेट के एग्ज़ाम की, कहीं वो भी ना हो। तो प्लीज़ आप थोड़ा सेफ गेम खेलिए और एक ही एग्ज़ाम पे फोकस रखिए, और बल्कि मुझे तो लगता है अगर आप नेट की तैयारी भी करते हैं तो आपके दूसरे एग्ज़ाम आराम से निकल जाएंगे, तो उसके लिए आप इतनी चिंता मत कीजिए। अब नेक्स्ट उन बच्चों के पास चलते हैं जो अभी भी थ्योरी पढ़ रहे हैं या अभी भी तैयारी कर रहे हैं और वो रिविज़न तक नहीं पहुँचे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? फर्स्ट तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कम से कम मिनिमम 8 to 10 hours तो डेली पढ़ें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। देखिए आप बिना सिलेबस को कंप्लीट करें नेट के पेपर में कंपीट नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसीलिए आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस भी जो आपको कंप्लीट करना है वो काफ़ी स्ट्रेटेजी वाइज करना है या आपको बहुत अच्छे प्लान के साथ करना है। मतलब आप कोशिश करें कि आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक को टाइम से पहले ख़त्म कर लें और देन आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करें, क्योंकि यही एक इजी वे है नेट निकालने का जो मुझे लगता है। बाकी डिपेंड करता है आपके स्पेशलाइजेशन किस में है और आपका इंटरेस्ट क्या है। सेकेंड, आपको भी रेगुलर नहीं पढ़ा जा रहा है या 3-4 दिन आप कंसिस्टेंसी बनाते हैं और 5वें दिन फिर आप स्लो हो जाते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा जिस दिन भी आप स्लो होते हैं या आपको लगता है कि आप 5 दिन ही पढ़ पाते हैं, तो नेक्स्ट डे से आप ये कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें और ज़्यादातर फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रखें। और आप भी वहाँ म्यूज़िक के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं साथ में जो आपको पसंद हो, जिससे कि आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में भी बना रहे और आपका टाइम भी यूटिलाइज होता रहे। थर्ड, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हार ना माने, आप ये सोचें कि आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी जर्नी है। मतलब अभी एग्ज़ाम आने में भी टाइम है और अगर एग्ज़ाम अभी जल्दी भी हो रहा है तो आप ये देखें कि अगर आपका इस एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी हो जाती है और किसी भी कारणवश आपका रह जाता है तो भी ये जो आपका पूरा सिलेबस है आपको आगे आने वाले कई सारे एग्ज़ाम में काम आने वाला है। जैसे कि आपको पता है इसके बाद गेट होना है, TIFR होना है, UPSC जियो साइंटिस्ट होना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के PhD प्रोग्राम के एग्ज़ाम होने हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के होने हैं, कॉमन एग्ज़ाम होना है, तो बहुत सारे मतलब आपको मौके मिलेंगे PhD करने के या बहुत अच्छे एग्ज़ाम निकालने के लिए जिनसे आपकी जॉब भी लग सकती है। तो यानी ये सिलेबस आपके हमेशा काम आने वाला है, तो प्लीज़ आप इस सिलेबस की तैयारी अच्छे से कर लें। फोर्थ, आपको भी मैं ये कहना चाहूँगा अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि बीच में कोई एग्ज़ाम आ रहा है तो हम उसकी तैयारी करें या नेट की तैयारी करें, तो मैं ये कहूँगा आप तो प्लीज़ नेट की ही तैयारी करें, क्योंकि आपका ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। कि आप सोचें जब इतना टाइम नेट में ही लग रहा है तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जहाँ आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है उसे आप कैसे 1 month के अंदर निकालेंगे। कहने का मतलब है कि ये रियलिटी है, इतना आसान नहीं है कि आप नेट को छोड़ के किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को 1 month के अंदर निकाल दें। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप पूरा फोकस अपना नेट पे रखिए और जो भी एग्ज़ाम है उन्हें आप बस दे दीजिए, जितना आपसे हो पाएगा उतना आप कर। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा अगर आप अभी तैयारी छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं तो ये आपका ही नुकसान है। अगर आपको नेट सच में निकालना है
तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको एक ना एक बार तो इसे पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, यानी एक ना एक बार तो आपको 100% देना ही पड़ेगा, और चाहे वो आप अभी दें, चाहे 6 महीने बाद दें, चाहे साल भर बाद दें। तो इसीलिए आप याद रखें कि जितना आप अभी दे सकते हैं और जितना ज़्यादा आप अभी कर सकते हैं, उतना ही आपको बाद में फ़ायदा होने वाला है। अगर आप चीज़ों को अभी रोक देंगे तो आपकी जो मेहनत है वो यहाँ पे तो बर्बाद होगी ही, और अगर आगे तैयारी करते हैं तो आपको फिर स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा और तब आपको दोबारा डिफिकल्टी आएगी। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि अपना 100% इस बार ही दे दें और आप इस एग्ज़ाम से फ्री हो जाएं। कम से कम आपको ये ना लगे बाद में कि मैं ये कर लेता तो हो जाता, या मैं उस टाइम पे यूटिलाइज कर लेता तो हो जाता। यहाँ पे ये है कि जो आपका आने वाला गिल्ट है ना, या जो अफसोस है, उसे आप अभी ही ख़त्म करके चलें और अपना 100% पूरा दे दें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप दोनों ही टाइप के स्टूडेंटों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।